नमस्कार दोस्तों, नौकरीगान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2018 के बारे में। जैसा आपको पता है कि जो फॉर्म है 17 अगस्त से शुरू होने वाले हैं दोबारा से, तो उसमें जैसे जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो हमारा स्टेट का नहीं लगेगा, सेंट्रल का लगेगा। और उसमें भी एक फॉर्मेट दिया गया है, वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप ओबीसी एससी एसटी जिससे भी हैं तो आपको सर्टिफिकेट जरूर देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, तो बनवाना कैसे है, हालांकि उसकी वैलिडिटी कब तक है, वो कब तक आपको बनवाना है, कब उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दूंगा, जो भी दो तीन वीडियो आप उन्हें पहले ज़रूर देख लें। फिर क्या है कि जैसे वो बनवाना कैसे है, जो कास्ट सर्टिफिकेट जो एसएससी जीडी के लिए सेंटर का चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायरमेंट है, तो आप उन्हें तैयार रखें और टाइम कम है, आप उसे अभी अपना बनवा लें। ठीक है, तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। जैसे जो सर्टिफिकेट हो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा एसएससी जीडी में, तो अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो ही आप सेंट्रल का बनवा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट डायरेक्ट नहीं बनता, वो स्टेट से अपग्रेड करवाया जाता है सेंट्रल में। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं, अगर आपके पास स्टेट का नहीं है तो आपको पहले स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेंट्रल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें टाइम आपके पास बहुत कम है, क्योंकि उसमें दिया गया है शायद फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 17 सितंबर रहेगी, तो तब तक आपको ये बनवा लेना है। ज़्यादा नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलें, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऐसा आप ना सोचें कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे आप 10-15 दिन पहले बनवा लेंगे तो वो नहीं चलेगा। उसमें बताया गया है साफ साफ नोटिफिकेशन में कि आप नॉन क्रीमी लेयर में जब तक फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक आप होने चाहिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो। कोई भी नया जॉब निकलता है, एडमिट कार्ड आता है, तो हम आपको सबसे पहले नोटिफाई करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है, आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो हम आपकी तैयारी करवाएंगे एसएससी जीडी की, और ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ रहेंगे, सारे अपडेट आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब किए। देखिए, ये है वो एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा, इस फॉर्मेट में लगेगा। अगर आपके पास इस फॉर्मेट का नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वो नहीं लगेगा, ये ओबीसी के लिए है, तो आपको ये बनवाना है। तो ये बनेगा कहाँ, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट रहेगी वहाँ बनेगा, तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो वगैरह हैं वो इसमें साइन करेंगे। ठीक है, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी रहेगी आपकी वो इस पर साइन करेगी। तो ये होना कहाँ का चाहिए, इसमें आपको एक तो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, और आप अपने फ़ोटो लेकर जाएं, और जो आपका डोमोसाइल है, क्योंकि ये बनेगा कहाँ से, उस डिस्ट्रिक्ट से बनेगा जहाँ पे जैसे आपके रेजिडेंट हैं, माता पिता जहाँ रहते हैं वहाँ से बनेगा। ये देखिए, साफ साफ दिया गया है, जो इसके लिए क्लेम करना चाहता है एससी एसटी के लिए, उसको ये ज़रूर सबमिट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट के सब डिविजनल ऑफिसर या कोई और ऑफिसर जो वहाँ होगा उस टाइम डेजिग्नेट, तो उससे साइन कराना होगा। ठीक है, तो ये जो अगर आपके पेरेंट्स जिंदा है तो वहाँ जो उनका रेजिडेंट है, जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनके डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, अगर वो नहीं है तो आप जहाँ रहते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट से बनेगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है जो क्या है, फ़ोटो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, फोटोग्राफ जो है वो इसमें ऑटो में लगेगा अंदर, ये आपको फॉर्मेट लेके जाना है। तो बनवाएगा कैसे, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आप ये फॉर्मेट दिखा देंगे उन्हें, वो फॉर्मेट को टाइप करके और उसके बाद आपका बना देंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ये बनेगा। अदरवाइज नहीं आपके पास तो आप अभी अप्लाई कर दें स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट के बाद बनेगा। ये फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास, फ़ोटो होने चाहिए, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, डोमोसाइल होने चाहिए। ये चीज़ें लेकर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाएँ और उन्हें बताएँ, वो आपका बना देंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जो तमिलनाडु के कैंडिडेट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये ओनली रिवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें साफ साफ बताया गया तमिलनाडु कैंडिडेट के लिए, बाकी ओबीसी के लिए फॉर्मेट है। आप जैसे जाके दिखाएंगे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट तहसील है वहाँ से इसको बना देंगे। ठीक है, तो इसमें बताना था जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता दिया, फ़ोटो चाहिए आपका, डोमोसाइल चाहिए। ठीक है, और रेजिडेंट का आपका राशन कार्ड वगैरह वो आप अपना लेके जा सकते हैं, उससे ही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस मुझे यही बताना था कि कैसे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनेगा, जो एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2018 के लिए रिक्वायर्ड है। तो जैसे इसकी वैलिडिटी पूछ रहे थे कि जैसे हमें अभी रिसेंट बनवाया है, तो अगर आपके इस फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है,
और आप एक बार वैलिडिटी पता कर लें, शायद एक साल की है, उसके बाद आप अपग्रेड कराना पड़ता है, बनवाना नहीं पड़ता। तो आप एक बार डिस्ट्रिक्ट में पता कर लें अपनी अपनी में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगर आपने नहीं भरा SSC GD का तो आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो जिन कैंडिडेट ने भरना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं इसके लिए, जिन्होंने 10th पास कर रखी है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकें। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप भी ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि 55,000 के करीब पद हैं, 54,953, तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि जो और वीडियो हैं वैलिडिटी के बारे में, कब तक का बना होना चाहिए, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको आपका लिंक देंगे, तो आप उसको देख कर आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो दोस्तों अगर आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।